साथ साथ ही कुर्सी और कुर्सी ने स्टूल लिया में बिना रही बालिकाएं बालक बहुत खुशी की बात है। हमारे एक ही साल है, मैं पहले ही रहा हूं। 14 लड़की राज्यों का स्टेट से सिलेक्शन हुआ। मैं तो एक दिनेश का जो नेशनल फाइनल है वो स्टेट भी गोल्ड मेडल लेके आया। मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार हमारे पीके जी श्री राम प्रसाद जी ने अपने कर्म से दिखाया है, अपने जज्बे को कायम रखते हुए इन बालिकाओं के द्वारा बालकों के द्वारा अपने हुनर को पहचाना है और बालिकाओं के द्वारा पैसम लहराया है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आज तक राजस्थान के इतिहास में कोई स्कूल नहीं है जहाँ पर एक साथ 14 लड़की लड़की स्टेज पे गए हो। और मैं चाहता हूँ, मेरी ये मन की भावना है कि आप लोग भी उसी तरह इस प्रकार खेल में आगे बढ़े, पढ़ने भी आगे बढ़े और इनको मेरी तरफ से और सुभाषिस, आप स्टेट से विनर होके गोल्ड मेडल लेके नेशनल तक पहुँचे, उसके लिए एक बार वापस स्वागत करता हूँ। इसके अलावा आप खुद भी, किसी ने कहा कि किसी को अपने सपने मत बताओ, किसी को अपने सपने मत बताओ, अपने सपनों को हकीकत में बदल के बताओ, दुनिया आपके पीछे दौड़ेगी। राम प्रसाद जी सर ने वही किया, उन्होंने सपने बताए नहीं थे, उनको यथार्थ में बदल के दिखाया आपको कि मेरे लड़के लड़की स्टेज पे जाएंगे आगे बढ़ेंगे। वही चीज आपको भी करनी है। एक बार मेरे सभी स्टाफ साथी को आशीर्वाद धन्यवाद, जैसे भी उन्होंने किसी भी रूप में अपना अमूल्य सहयोग दिया, और हमारे प्रिंसिपल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जैसी भी व्यवस्था रही, कुछ भी रहा, लेकिन बहुत सकारात्मक सहयोग मिला हम लोगों को, राम प्रसाद जी को और बच्चों को, और मिल रहा है और मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।